हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे ब्रेड की एक नई रेसिपी। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कटोरी बेसन, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी आधा छोटा चम्मच। आप यहाँ पर धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें और वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला एक छोटा चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पर किंग किचन मसाला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैं यहाँ पर गरम पानी का यूज़ कर रही हूँ। पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा ही है। आप ज़्यादा गर्म पानी ना लें और इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें, एक साथ ना डालें। और इसका अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पेंट कर स्मूथ बैटर बना लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। देखिए, मैंने इसे अच्छे से पेंट लिया है और हमारा बैटर बनकर तैयार होने वाला है। देखिए, ये हो चुका है तैयार। हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड के पीसेस। देखिए, मैंने इन्हें सर्कल में लिया है। आप चाहें तो इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें ट्रायंगल भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए, मैंने इसे एक गिलास की सहायता से कट कर लिया था। आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से कट हो सकते हैं। आप किसी कटोरी की सहायता भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रेड के पीसेस छोटे लिए थे, इसलिए मैंने उस हिसाब से गिलास को लिया है। ये अच्छे से कट हो जाएंगे। इसे मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया था, इसलिए टूट चुका है। और जो इसके ब्रेड क्रम्बस ब्रेड पीसेस बच जाते हैं, आप इन्हें रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। इनके ब्रेड क्रम्बस बन जाएंगे, आप इन्हें फेंकिएगा मत, इनका यूज़ कीजिएगा किसी और रेसिपी में। मैंने यहाँ पर ले लिया है तेल, जिसे मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। अब हम अपने ब्रेड के पीस को जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप कर डाल देंगे। आप इसे स्पैचुला की सहायता से डालिएगा। मैंने इसे हाथ से डाला, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फैल गया। आंच हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ब्रेड पीसेस थोड़े कच्चे रह जाएंगे अंदर से और बाहर से जल जाएंगे। ध्यान से डालिएगा। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। देखिए, अब हम इसे हिलाएंगे और ये पक चुके हैं। मैं इसे निकाल लूँगी। मैं फिर से उसी प्रोसेस से बाकी के ब्रेड के पीसेस भी तैयार कर लूँगी। देखिए, इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे या मीडियम फ्लेम के ऊपर, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। ये पक चुके हैं, अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी टाइम दे सकते हैं, सुबह या शाम, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।